ये देखिए स्ट्रॉबेरी प्लांट, इसमें फूल भी लगे हुए हैं और फल भी लगे हुए हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे स्ट्रॉबेरी का प्लांट कैसे लगता है, उसकी पॉटिंग सॉइल कैसे तैयार होती है। इसके लिए लेंगे हम 50% गार्डन सॉइल, 50% बर्मी कंपोस्ट और उसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी नीम की खली मिलाएंगे, इससे इसमें कोई भी कीड़े नहीं लगेंगे और पेड़ हमारा सुरक्षित रहेगा। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्ट्रॉबेरी पॉटिंग सॉइल वेल ड्रेन होना चाहिए, जिसे पानी आसानी से निकल जाए और जड़ में पानी ना लगे और जड़ गले नहीं। अब हम एक गमला लेंगे जो कि ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। उसके छेद पे हम एक ठिकड़ी रख देंगे, कोई खपे का या दिए का टुकड़ा रखेंगे। अब जो हमने पॉटिंग सॉइल तैयार किया था उसे हम इस गमले में डाल देंगे। इसमें थोड़ा ही से डालेंगे, जितना कि पौधा आसानी से, पौधे का रूट बॉल आसानी से उसमें जा सके। अब इसकी हम पन्नी फाड़ लेते हैं, सावधानी से फाड़ेंगे ताकि इसका रूट बॉल डैमेज ना हो। अब हम इसके रूट बॉल से थोड़ा थोड़ा मिट्टी नीचे से निकाल लेंगे ताकि रूट बचा रहे और थोड़ा थोड़ा रूट्स दिखने लगे, और ऊपर से भी थोड़ा मिट्टी झाड़ लेंगे। पौधे के हिसाब से मिट्टी थोड़ा कम था तो हम और डालेंगे। अब हम इसमें बैठा के देखेंगे, ये देखिए आराम से बैठ जा रहा है इसमें। अब हम इसमें साइड साइड के हिस्से में जो खाली हिस्सा है उसमें पॉटिंग सॉइल डालेंगे और इसे दबा दबा कर भरेंगे ताकि कोई एयर गैप ना रहे। ये लीजिए पौधा लग गया है। अगर इसमें फूल और फल नहीं लगे हों तो इस पर फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए, इसे फंगस बहुत जल्दी लगते हैं। ये देखिए इसमें फूल और फल दोनों लग गए हैं। ये देखिए फूल कितना सुंदर है और इसके बीच में जो येलो येलो पार्ट दिख रहा है वो स्ट्रॉबेरी है। अब हम इसकी वाटरिंग करेंगे। ये देखिए इसका वाटर ड्रेन होने लगा है। अब हम इसमें राइस हस्क डालेंगे, जो धान के ऊपर की भूसी होती है, या फिर सूखे पत्ते डाल देंगे, यानी कि इसकी मल्चिंग कर देंगे। स्ट्रॉबेरी के फल बहुत ही नाजुक होते हैं, वो मिट्टी में के टच में आते ही सड़ने लगते हैं, यानी कि फंगस लग जाता है उसमें, इसलिए हम धान की भूसी की मल्चिंग कर रहे हैं। आपके पास धान की भूसी नहीं है तो आप सूखे पत्ते से मल्चिंग कर दें या फिर कोई पेपर भी छा दें। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर